हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनसाइडर। डिस्कस करेंगे जी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स शुरू कर रहे हैं जी मास्टर केडर 2020 के लिए। आई होप थोनू ये टॉपिक वधिया लगेगा एंड इंटरेस्टिंग लगेगा, ताकि तुसी फिजिक्स की प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। इस टॉपिक तो बहुत ही ईजी जहा टॉपिक है एंड थोड़े सिलेबस के विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थोनू इस टॉपिक जा तुसी पर्टिकुलर बुक के विचों कह सकते हो, थोनू आ सकते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स टॉपिक जो डिस्कस करांगे सारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जिन्हें भी टॉपिक होंगे सारे सिलेबस के विचों लाए गए हैं, उन्होंने ही डिस्कस करांगे एंड उस तो बाद टॉपिक नू करन तो बाद सारा ही चैप्टर करन तो बाद आप डिस्कस करांगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यूज़ ते एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। आई होप थोनू वधिया लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो लाइक और कमेंट करके जरूर दसना किस तरह लग्या। बाकियों के नाल भी इस वीडियोज़ में जरूर शेयर करना। सीरीज़ चलावेंगे जी फिजिक्स के लिए, कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोज़ अपलोड हो सकन, तो पूरी कोशिश करांगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में छेती सिलेबस आप कंप्लीट भी करांगे इस टॉपिक का, तो हौचपौच भी ना करी तो वधिया भी समझांगे थोड़ा डीपली। ठीक है जी, तो अज की अपनी वीडियो में शुरू करते हैं। देखो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ जो न्यूक्लियस करन जा रहे हैं, सब तो पहला टॉपिक है जी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं जी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। इस दे विच आपां देखना जी एटम न्यूक्लियस की हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा इसके बारे आप देख लें, उस तो बाद आप टॉपिक शुरू करते हैं। देखो सब तो पहला जो कि सिस्टमैटिक जो वर्क किया गया सी एटम की स्ट्रक्चर के उपर, जे जे थॉम्पसन के वालों किया गया सी, जो बिल्कुल ही गलत हो गया सी, क्योंकि जो रदरफोर्ड ने एक्सपैरीमेंट किए स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग, तुसी जानते गोल्ड फॉयल वाला एक्सपैरीमेंट किया गया, दैन उन्हें दसिया कि जे जे थॉम्पसन ने जो स्ट्रक्चर दी है एटम की वो बिल्कुल ही गलत है। उन्हें की कहा जो एटम होंगे एक एटम होंगे उन्हें किमें कहा कि एक वाटरमेलन की तरह उसकी स्ट्रक्चर होंगी है, जो कि बिल्कुल ही गलत सी। जिस तरह कि उस दे विच एक स्फीयर होंगे जिस दे विच पॉजिटिव चार्ज, जो कि पॉजिटिव चार्ज लेयर्ड एक पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बनी होंगी है, बिचों के सारे कितने नैगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो बिल्कुल ही गलत सी। वाटरमेलन की तरह स्ट्रक्चर तुसी इसनूं कह सकते हो, जो बिल्कुल ही गलत हो गई सी। उस तो बाद रदरफोर्ड आया जिसने एक्सपैरीमेंट किया, जिसनों आप थोड़ा जहा डिटेल दे विच भी देखा, क्योंकि अपने सिलेबस के इस दे विचों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते एग्जाम दे विच। उसने गोल्ड फॉयल के नाल एक्सपैरीमेंट किया, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, उसने गोल्ड फॉयल क्यों यूज़ की, अल्फा पार्टिकल क्यों यूज़ किए जिसकी उसने, ठीक है ना, इंसीडेंट करवाई रेज, बहुत सारे पॉइंट ने, ठीक है। उस तो बाद उसने जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन ली वही क्यों ली, कोई होर फ्लोरोसेंस की जगह पर कोई होर स्क्रीन क्यों नहीं यूज़ की, बहुत सारी उसकी कंडीशन से उन्होंने भी आप सारे देखा। तो शुरू करते हैं, सब तो पहला देखो जो भी इस गल की जाती है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, उस दे विच कौन कौन प्रेजेंट है, साइज एंड उसका जो मास है किस दे करके होंगे, किन्ना डायामीटर किन्ना है न्यूक्लियस का एंड एटम का, इन्हां दी रेशो की बन जाती है, सारे पॉइंट आप क्लीयर करांगे। देखो सब तो पहले आप गल करते हैं इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट के कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, उस तो बाद आप डायग्रामेटिकली भी देख लवेंगे। देखो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन शीट ऑफ मैटल, थिन शीट ऑफ मैटल मतलब गोल्ड फॉयल ले गई थी कि शीट ले गई थी, उसके मेटल के जो एटम ने, मेटल के जो एटम ने गोल्ड फॉयल के जो मेटल के एटम होंगे उन्होंने द्वारा स्कैटरिंग करवाई गई थी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है ना। तो उस सगा दूसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज, थोड़ा पता जी अल्फा पार्टिकल हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे ने, ठीक है ना, जिन्हों को दो यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि हीलियम के होंगे ने, ठीक है ना। प्रोसेसिस कि होंगे, ठीक है जी, फोर अटोमिक मास यूनिट होंगे, अटोमिक मास यूनिट होंगे इन्होंने को फोर, एंड जे आप चार्ज की गल करिए दो यूनिट इन्हों को पॉजिटिव चार्ज होंगे। सिमिलरली जे आप गल करिए, ठीक है ना, इतने की हो जाता है, ठीक है, टारगेट टू फ्लोरोसेंस स्क्रीन, इन्हों टारगेट किया गया कि फ्लोरोसक्रीन जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन होंगी है उत्थे जाके की करना हिट करन, ता करके इन्हों पता लग गया कि इन्हों दे विच कित्थों कित्थों किमें किमें जां डिफलैक्टो की रेज आ रही ने, जां डायरैक्ट अपने कोले स्ट्रेट लाइन दे विच रेज आ रही ने, वो इन्होंने एक्सपैरीमेंट किया। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लई गई सी, इन बिटवीन प्लेस्ड थिन गोल्ड फॉयल रखी गई सी, जिसनों आप बोल रहे हैं, ठीक है, थिन शीट ऑफ मैटल बोल रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल कितों आ रहे थे, एक एक्टिव रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, कंपाउंड तो आ रही थी अल्फा रेज जो निकल रही थी, ठीक है, उसे आप हम देखते हैं। तो जो डायग्राम है इसको समझने की कोशिश की जाए, जो ए वाली स्क्रीन दिखाई गई है एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन है जिथे जाके सारिया रेज टकरा, ठीक है, एक की है जी रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसको बॉक्स बोल सकते हो जितों अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, इतों सारे पार्टिकल निकलेंगे एक स्ट्रेट लाइन के आने सारे। तो एक की रखे गया, मैंने एक एटम ने शो किए थे, काफ़ी सारे नंबर ऑफ एटम ने वैसे तो, एक क्योंकि शीट है मैटल की, एक शीट है गोल्ड फॉयल, मैंने बस एक एटम में शो किया गया। देखो वो न्यूक्लियस है, यह पूरा एटम है जिथे इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिस तरह के रदरफोर्ड ने दसिया सी। इतों जो रेज गई कुछ तो देखो काफ़ी सारिया 1 2 3 4 5 दिखाई ने मैं, जिस तरह ये सारिया ही डायरैक्ट स्ट्रेट लाइन लंघ जाएगियाँ किस दे विचों, एटम के विचों, पार्टिकुलर एटम के विचों डायरैक्ट लंघ जाएगियाँ, जिसका मतलब की है
काफ़ी सारी एम्पटी स्पेस है एक एटम के विच, बट जदों की पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के विचों काफ़ी सारिया रेज़ ना डिफलैक्ट हो रही ने, काफ़ी सारिया रेज़ डिफलैक्ट हो रही ने। एंड तुसी इतने की कह सकते हो जो रेज़ डिफलैक्ट हो रही ने इन्हों का आप कह सकते हैं कि जिस तरह के 1000 के विचों ना एक रे, कोई भी एक रे की हो जाएगी वापस की हो जाएगी ना, बैक हो जाएगी, डिफलैक्ट हो जाएगी टूअर्ड बैक, जिधरों आ रही है उधर ही चली जाएगी। जिस तरह के ए रे इधर आई इसी तरह वापस चली गई, क्यों? 1000 के विचों एक रे ही होएगी जो वापस चली जाएगी, जो 1000 चो जो 1200 के विचों, बाकी सारिया रेज तक ही हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द रे की चली जाएंगी डायरैक्ट, सीधिया चली जाएंगी एटम के विचों लंघ के। कुछ रेज इस पर्टिकुलर जो अपने सेंटर विच दिखाया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसका नाम दिता गया उत्थों डिफलैक्ट हो रही ने, डिफलैक्ट हो रही ने मतलब उत्थों आईया। ये रे पॉजिटिवली चार्ज ने, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों जो एक दूसरे के नेड़े आएंगे रिपल्शन होएगी, ठीक है ना, एक दूजे को दूर धक्कनगे, ठीक है ना, रिपल्शन होएगी, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते, अट्रैक्शन नहीं होएगी इतने, ता ही तो की हो जाएंगे डिफलैक्ट हो जाएंगे, डिफलैक्ट होने तो बाद ये दूर चले जाएंगे, तो एंगल इन्हों का कोई ना कोई एंगल होएगा, ठीक है ना। तो मैं इतने लिखा गया देखो ये गोल्ड फॉयल है, ये सारे गोल्ड फॉयल एटम है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये वाला न्यूक्लियस है, ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन है। तो कंक्लूजन की मिले वो इंपॉर्टेंट है, वो फटाफट आप देख लेने हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस की है जी एम्प्टी है न्यूक्लियस की, क्योंकि काफ़ी सारिया रेस सीधियाँ चली गई से, उन्हें कंक्लूजन कटे आ। मास ऑफ एटम कंसनट्रेटेड सेंटर पर पिया, सारा मास कितने पे जी सेंटर पर पिया, जिन्ना भी उसका एटम का मास है, मोस्ट ऑफ द जो मास है एटम का कितने कंसनट्रेटेड है, न्यूक्लियस के उपर कंसनट्रेटेड है। न्यूक्लियस इज न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल है, जिन्हें जिन्ना पॉजिटिव चार्ज सेंटर के पिया उन्हें इक्वल टू चार्ज दे इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड अराउंड जो उसके ऑर्बिटल होंगे उत्ते रिवॉल्व करेंगे, ता करके ओवरऑल एटम न्यूट्रल होएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सेंट्रल न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड डिफरेंट फॉर ईच एटम, समझ रहे हो ना पॉइंट, कि जो सेंट्रल न्यूक्लियस का एटम है, देखो ये तो कह दिता गया कि हाँ जी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल जो होएगा एटम का उसमें आप न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसके को चार्ज होएगा, बट देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे ने, तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस का भी मास होएगा, ठीक है ना, जो चार्ज होएगा। तो इन का क्या गया, सेंट्रल न्यूक्लियस के कोले पॉजिटिव चार्ज है बट डिफरेंट फॉर ईच एटम, हर एक एटम के लिए डिफरेंट होएगा, ठीक है ना। तो डाया अच्छा रदरफोर्ड ने दो पॉइंट होर कंक्लूड की किए कि डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है जी 10^-15 मीटर ऑर्डर का होंगे, तो डायामीटर ऑफ एटम कितना होएगा 10^-10 मीटर ऑफ ऑर्डर का होएगा, ठीक है ना। तो ये उसका डायामीटर कह सकते हो। इसी ही तरह कुछ आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, सब तो पहले साइज ऑफ न्यूक्लियस की आप गल करेंगे, ठीक है ना। देखो जी साइज ऑफ न्यूक्लियस पॉइंट आप डिस्कस करते हैं कि जो भी साइज ऑफ न्यूक्लियस तुम्हें ने फाइंड करा होता की मैथड है उसको फाइंड करा का, क्योंकि ये बेस से तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब की है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस, कहते की हो सकता है ना, की हो सकता है जो कोई भी न्यूक्लियस ये मान लो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज है ये कोई भी अल्फा पार्टिकल ये नज़दीक जाएगा तो आप वाला पार्टिकल तो ए वाला पूरा अपने को पार्टिकल दोनों का नियरेस्ट अप्रोच लैके आप इस दा, जो न्यूक्लियस का की पता कर सकते हैं साइज पता कर सकते हैं किमें पता करेंगे देखो तुसी देख सकते हो। देखो जी कहिंदे मान लो मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना मैं डायग्रामेटिकली आप चलते हैं थोड़ा जहाँ वधिया समझ आ जाएगा। देखो जिस तरह की तुसी की लिया मैंने एक एटम लिया ठीक है ना एक मैंने एटम लिया उस मैंने पॉजिटिवली चार्ज की लिया न्यूक्लियस लिया इन मैं की बोल रहा न्यूक्लियस लिया देखो समझ के करांगे तो वधिया लगेगा इंटरेस्टिंग भी लगेगा टॉपिक अदरवाइज थोड़ा फॉर्मूले तो कदों भी तुम क्रैम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होती है ना बट समझ के करांगे तो अपने कंसैप्ट क्लीयर हो जाता है क्योंकि मैथ जो फिजिक्स है ना सारी कंसैप्ट वाइज क्वेश्चन आते इस कल न्यूमेरिकल वेस्ट नहीं होंगे है ना। तो देखो जो कोई अल्फा रेज आएगी ना अल्फा रेज आएगी कि ये को बिल्कुल जो नेड़े आ जाएगी तो उस बाद की हो जाएगी वो डिफलैक्ट हो जाएगी ना डिफलैक्ट हो जाएगी तो ए वाला पार्टिकल होएगा कोई ना कोई आप एटम लै सकते हैं ठीक है ना क्योंकि इसके उपर चार्ज कितना होता है इस पर्टिकुलर एटम के उपर चार्ज कितना होएगा टू ई होएगा टू इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना पॉजिटिवली चार्ज। एंड जो ए वाला पूरा एटम है अपना न्यूक्लियस है इसके उपर चार्ज कितना होता है इसके उपर चार्ज होता है जी जेड ई जेड ई होता ना थोड़ा पता सब जेड की होंगे अपने को एटोमिक नंबर हो जाता तो यह की हो जाता है जेड ई इसके उपर की होगा चार्ज होएगा चार्ज हो जाएगा दैन आप दोनों के उपर इतने थोड़ा पता है जो नेड़े आ जाते हैं ये चलो अपनी काइनैटिक एनर्जी आ रहा है ये को काइनैटिक एनर्जी से 1/2 mu² चलो यू यदि काइनैटिक एनर्जी ली मैंने ई ये को एनर्जी से काइनैटिक एनर्जी आ रहा है जो ये नेड़े आया ना वो सारी काइनैटिक एनर्जी होएगी जी जी काइनैटिक एनर्जी ई होएगी ना काइनैटिक एनर्जी वो कि चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के क्यों पोटेंशियल एनर्जी के क्यों चेंज होएगी। देखो जो ये को नेड़े आया जी फोर्स लग रही थी काइनैटिक एनर्जी ये तेजी नाल बड़ी स्पीड नाल आ रहा है हूँ इतने लग जाएगी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना रिपल्शन होने तो बाद हो जाएगा डिफलैक्ट हो जाएगा
फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन ना कितों आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केड़ी, कूलम्स लॉ तो, कूलम्स लॉ फोर्स तो, समझ रहे हो ना। कूलम लॉ की कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जस के बीच कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो थोड़ा बहुत, तो उस तो बाद इन्होंने उपर चार्ज लग जाए है ना, फोर्स लग जाती है, उस तो ही वो सारी पोटेंशियल एनर्जी के तब्दील हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किनी सी, काइनेटिक एनर्जी किनी सी, किनी सी जी 1/2 m u² इन्हों मैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख सकता। हूँ पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ किनी होएगी, 1/4 π ε₀ दोनों चार्जेस का, चार्जेस का मल्टीप्लाई किनी हो, q1 q2, q1 किन्ने ZE, q2 किन्ने 2E, डिवाइड बाय r² इन्हों का डिस्टेंस होएगा। r² मैं इतने की लै सकता ना, इतने r बिल्कुल ही नज़दीक हो जाएगा, तो मैं इहदा रेडियस ही तो लै सकता ना इस पर्टिकुलर सेंटर तो, लेकिन इसका रेडियस ही हो सकता है जिस तो मैं न्यूक्लियस का साइज पता कर सकता। तो यही मैथड है मेरा। तो मैं इतों ना आर की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, इतों मैं कि वैल्यू फाइंड कर लूँगा आर की। चलो मैं दिखा देना थोनों, देखो जी, तो ई इज इक्वल टू की हो जाएगा, ई इज़ द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड लेट आर नॉट की है नियरेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस का रेडियस, एम मास ऑफ पार्टिकल है, यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m u² जो कि काइनेटिक एनर्जी है। देखो नाउ पार्टिकल अप्रोचेस न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो की हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 π ε₀ ए वाला आ जाएगा, इतों आर नॉट कट के देख लेना, इन्हों बराबर रख दो 1/2 m u² दे, आर नॉट कि आ जाएगा ZE² अपॉन π ε₀ m u², इनू याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इनू नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, इनू नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इतने तक थोड़ा टॉपिक डन हो जाता है। किमें देखो आर नॉट आ गया, तो इतों थोड़ू की आएगा ना, कई बार थोड़ा जेड दिता जाता, एक पर्टिकुलर एटम का नंबर दिता जाता है ना, ई की वैल्यू सबू पता कि होंगी है, ठीक है ना, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ पाई पता है जी, एप्सिलॉन नॉट पता है, एम थोड़ा दिता होगा क्योंकि जो मास ही दे देता है ना। तो फिर इतों तुम की कर सकते हो ना, यू भी दी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैन तुम आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये वाला मैथड है जी। इसी तरह तुम फाइंड कर सकते हो, कहते पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन अल्फा पार्टिकल, ये वाली चीज़ हो जाती है ना, ये वाली चीज़ हो जाती है, समझ आया ना। तो इस तो बाद आप गल करते हैं, तो टॉपिक चलो हो गया अपना, इस तो बाद प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस सब तो पहला प्रॉपर्टी, काफ़ी सारिया 7-8 इस प्रॉपर्टी ने सारी आप डिस्कस करा। देखो सब तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है न्यूक्लीयर साइज़, सब तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है न्यूक्लीयर साइज़। न्यूक्लीयर साइज़ को तुम किमें डिफाइन करोगे, जो तुम न्यूक्लीयर का साइज, न्यूक्लियर साइज मतलब न्यूक्लियस का साइज, ठीक है ना। बाय रदरफोर्ड एंड हिज टीम की क्या गया, कहते स्कैटरिंग हुई कि द्वारा, कूलम्स ला करके स्कैटरिंग की गई अल्फा पार्टिकल की बाय न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज मोर दैन 10⁻¹⁴ m, ठीक है ना। थोनों पता है जी, सबनों पता है की पता अपन सबनों कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होंगे ना, एक्सपेरीमेंट किया गया कि हाँ जी न्यूक्लियस का साइज़ पता करना है, बट थोनू सबनों पता है कि एक न्यूक्लियस का साइज़ तो रदरफोर्ड ने कह ही दिता कि जो न्यूक्लियस होंगे ना उसका रेडियस कह लो जो डायमीटर के किस ऑर्डर का होंगे, किस ऑर्डर का होंगे, 10⁻¹⁵ m के ऑर्डर का होंगे। जे आप गल करिए पूरे एटम का, तो वह कि 10⁻¹⁰ m के ऑर्डर का होएगा, ये दोनों होएंगे। बट जे आप गल करिए, चलो मैं हाइड्रोजन एटम की गल करता, तो उसके अलग नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने ने, 1 है। जे मैं हीलियम की गल करा, तो उसके दो इलैक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना, इसे ही तरह तो वधे जाएंगे, ये तो वधे जाएंगे। दैन फिर तुम मैं एक गल दसो, जे मैं एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का गल करा, जे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन वध रहे हैं, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन वध रहे हैं, तो फिर की न्यूक्लियस का साइज़ नहीं वधे घटेगा, ये भी तो चेंज हो सकता है, ये भी तो चेंज ही होएगा ना। दैन फिर आपको डिपेंड किते करेगा, दैन आप करा ना, आप करा, आप मास नंबर की गल करा, इतने मास नंबर की गल करा, मास नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम, ए अटोमिक जो आप पीरियोडिक टेबल के देख लो 1, 2, 3, 4 की दिता होंगे, अपन मास नंबर दिता जाता है, मास नंबर ए दिता जाता है, ठीक है ना। तो आप गल करा कि 1 है 2 है 3 है, वो अकॉर्डिंग ही अपना फार्मूला होना चाहिए। सिर्फ ए नहीं ना कह सकते कि हाँ जी एक न्यूक्लियस का साइज़ तो 10⁻¹⁵ m होएगा ऑलवेज, बट ये तो गलत है ना, ये कहना तो गलत हो जाएगा हर बारी, आपको एक रिलेशन देना पड़ेगा जिस बेस से थोड़ा क्वेश्चन आएगा। चलो देखो किमें करा, देख सकते हो, कहते डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज मोर दैन 10⁻¹⁵, ये तो ऑलवेज होएगा कि जो डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, अंदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिपल्शन इन्नी ज़्यादा हो जाएगी, अल्फा रेज होएगी, कदे भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकती, वो पहला ही की हो जाएगी ना, पहला ही की हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिपल्शन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की। सो ता करके डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल ते न्यूक्लियस का हमेशा ज़्यादा होएगा 10⁻¹⁴। तो की किया गया, फाइंड किया गया जी, जो वॉल्यूम है ना न्यूक्लियस का, पूरे वॉल्यूम न्यूक्लियस का, वो डिपेंड किते करेगा मास नंबर पे,
मास नंबर किन्ना है, उस पर्टिकुलर एटम का मास नंबर किन्ना है उससे डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए दे, तो हूँ वी कौन है, ये वॉल्यूम है जी किसका, न्यूक्लियस का, तो कितना होता है पाई बाय थ्री पाई आर क्यूब, आर की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलो फिर ये तो कॉन्सटेंट है, ये तो आप खत्म कर देने प्रोपोर्शनल के नाल, आर क्यूब कितना हो गया ए, आर की वैल्यू कितनी आ गई ए की पावर 1/3, तो आर की वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आर नॉट ए की पावर 1/3, जदों के आर नॉट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई तो आर नॉट की वैल्यू आ गई 1.2 तो लगे 1.6 फर्मी, एंड फर्मी कितना होता है जी 10^-15 मीटर। समझ आई ना, बड़ा ही सिंपल जहा टॉपिक है। देखो 1.2 तो लेके 1.6, वैसे आलमोस्ट ना 1.2 लिखा जाता है, 1.2 इंटू 10^-15 मीटर लिखा जाता है, ये बस नोट कर लो कि 1.2 तो लेके ना 1.6 तक होंगी यदि वैल्यू। तो यह हो जाता रिलेशन न्यूक्लीयर साइज का। समझ आया ना, कई बार थोड़ू एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ू वॉल्यूम तो दे दिता जाता है या फिर थोड़ू रेडियस दे दिता जाता है, तो थोड़ू रेशो पूछ लेंगे ने वॉल्यूम की। तो वी ए एटम का वॉल्यूम डिवाइड किया गया जाता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के नाल की होंगे 4/3 पाई आर ए दी क्यूब पाई आर एन दी क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सारा, तो आर ए अपॉन आर एन दी क्यूब हो जाएगा। तो इतों तुम दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, जब ए दिता हुआ तो यू फाइंड करना आ जाएगा, जब ए दिता हुआ तो यू फाइंड करना आ जाएगा। तो यह फॉर्मूला भी की कर लियो नोट कर लियो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सी। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप हूँ, इस तो बाद एक इंपॉर्टेंट सैकेंड प्रॉपर्टी है जिसकी सैकेंड प्रॉपर्टी न्यूक्लीयर शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रपोल के बारे गल करेंगे आप इतनी। देखो कहते न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंसीडर टू हैव अ स्फेरिकल शेप। देखो ऑलवेज तुम गल करते हो कि न्यूक्लियस है ना सेंटर के होंगे, ऑलवेज की होंगी वो स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल समझ लो ना बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह कह सकते हो, स्फेरिकल शेप होंगी उसकी, स्फेरिकल सॉरी, ठीक है। बट जे आप गल करिए उस जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जब तो मैं पॉजिटिव चार्ज की गल करा या फिर मैं नैगेटिव चार्ज की गल करा, सिमेट्रिकल होनी चाहिए है स्फेरिकल शेप होने के लिए, है ना, क्योंकि जे थोड़ा बहुत भी उपर नीचे हो गया तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज एक दूजे को की करेगा अट्रैक्ट करेगा, जिद करके शेप चेंज हो जाएगी जे ये सिमेट्रिक ना हो, सबनों पता है। तो हूँ मतलब की है जो चार्ज है, जोड़ा चार्ज है वह की होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जे देखो चार्ज सिमेट्रिक तो फिर डाइपोल मूवमेंट की हो जाएगी, डाइपोल मूवमेंट की हो जाएगी, वो तो जीरो ही हो गई ना फिर, जो तो सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक दी तुम्हें पता डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। चलो फिर डाइपोल मूवमेंट तो अब तो अपने कुछ नहीं मिले, इतों तो अपन कुछ भी नहीं मिले, मतलब तुम कोई भी प्रॉपर्टी है जी वो शो नहीं कर सकते डाइपोल मूवमेंट के नाल, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिले। मान लो तुमने की करना सी ना यदि स्ट्रक्चर बारे कुछ पता करना सी, दैन डाइपोल मूवमेंट तो थोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। आप गल करेंगे ना क्वाड्रपोल मूवमेंट की, ये क्वाड्रपोल मूवमेंट की होंगी है वनू आप समझते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है इतने प्रॉपर, तुम देख सकते हो, कहते न्यूक्लियस कंसीडर टू हैव स्फेरिकल शेप, आप मानते हैं कि न्यूक्लियस के कोल स्फेरिकल शेप होंगी है, ठीक है। बट इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस इज नॉट सिमेट्रिक, फिर आप कर सकते ना स्टडी कर सकते हैं उसकी शेप है जो उसको आप स्टडी कर सकते हैं पूरी डिटेल के होएगा। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस इज नॉट सिमेट्रिक दैन डाइपोल मूवमेंट इज नॉट जीरो, फिर डाइपोल मूवमेंट तो नहीं जीरो होगा, तो जो फिर ये तो अपन कुछ नहीं मिलेगा, अपन मिलेगा क्वाड्रपोल मूवमेंट। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट की होएगा, वी मेजर क्वाड्रपोल मूवमेंट की होएगा। देखो डाइपोल मूवमेंट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर द डिपार्चर फॉर डिपार्चर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री शेप। समझ आई, तो ये की होएगा ना थोनू की मिलेगा एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, थोड़ा की मिलेगा जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कदम पॉजिटिव चार्ज घट गया या इलेक्ट्रॉन का नैगेटिव चार्ज घट गया तो की हो जाएगा ना सिमेट्रिक शेप तो सिमेट्रिकल शेप तो की हो जाएगा अनसिमेट्रिकल शेप बन जाएगी, अनसिमेट्रिकल शेप बन जाएगी ना, ये की हो गया मतलब सिमेट्रिक शेप का की हो गया डिपार्चर हो गया, डिपार्चर हो गया वो जो जिन्ना डिपार्चर होया उसे मैं की बोलूँगा ना, ये डिपार्चर तो ही मैं की मिलेगी क्वाड्रपोल मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट मिलेगी, ये जिन्ना भी डिपार्चर हो रहा होएगा उसे मैं क्वाड्रपोल मूवमेंट बोलूँगा, जिस तो मैं की मिलेगी शेप मिलेगी। किस तरह की शेप मिलनी है, तीन शेप मिल सकती ने अपन, देखो जी कहते क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर द डिपार्चर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री शेप। इफ जे तो क्वाड्रपोल मूवमेंट जे तो पॉजिटिव हो गया, जे तो यह पॉजिटिव हो गया दैन न्यूक्लियई आर प्रोलेट डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, प्रोलेट का मतलब की होएगा ना उपर वाली साइड ज़्यादा की हो जाएंगे ना कंप्रैस हो जाएंगे साइडा तो की हो जाएगा कंप्रैस हो जाएगा, इसको आप बोलते हैं प्रोलेट एलिप्सॉइड, इनू की बोलते हैं एलिप्सॉइडल शेप बोल रहे हैं स्फेरिकल,
एक ही हो गया, प्रोलेट एलिप्सॉइडल हो गया, जे क्वाड्रल पोल मूवमेंट नेगेटिव हो गई, देन न्यूक्लियस आर ऑब्लेट डिफॉर्म्ड, फिर इस तरह मतलब थोड़ा फैल जाएगा ना, फैल जाएगा इस तरह, तब फैल जाएगा तो इन्हें बोलते हैं ऑब्लेट एलिप्सॉइडल, ऑब्लेट एलिप्सॉइडल बोलिया जाएगा इन्हें, प्रोलेट एलिप्सॉइडल बोलिया जाता है इन्हें, स्फेरिकल एलिप्सॉइडल बोलिया जाता है। एलिप्स तो पता ना सब, बट ये स्फेरिकल होएगा, एक ही होगा एलिप्सॉइडल। देखो जे तो आप 2D की गल कर रहे हैं फिर तो एलिप्स बोल देने हैं, जे आप 3D की गल कर रहे हैं फिर आप एलिप्सॉइडल बोल दें, एलिप्सॉइडल एलिप्सॉइडल एलिप्सॉइडल, बट एक ही है जी स्फेरिकल है, ये प्रोलेट है, एक ही है जी ऑबलेट है। तो ये तीन तरह की शेप हो सकती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर शेप यही टॉपिक से जिद तुम तीन पॉइंट नोट कर लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ने तीनों पॉइंट, ठीक है ना। इस तो बाद आप डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मास। चलो जी करिए डिस्कस। देखो गल की जाती है न्यूक्लियर मास की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ पॉइंट है न्यूक्लियर मास में जो तुम डिस्कस कर रहे हो। चलो आप देख लें पहला पॉइंट की है न्यूक्लियर मास, जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा ना, न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, इहदे विच कौन कौन हुंदा है, इहदे विच देखो एक तो प्रोटोन होएगा सब नूं पता है, एक होर कौन होएगा, एक न्यूट्रॉन हुंदा है। ये दोनों दे करके की हुंदा ना मास हुंदा है न्यूक्लियस का, पूरे एटम का मास ऑफ एटम किहदे करके हुंदा है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस करके हुंदा है, किहदे करके होएगा, न्यूक्लियस दे करके, मास ऑफ एटम किहदे करके हुंदा है जी, न्यूक्लियस करके हुंदा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस करके होंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन करके क्यों नहीं होंगे, देखो थोड़ा पता है जी, एक एटम है, एक तो पॉजिटिव चार्ज तो मिलकर बनता न्यूक्लियस, एक वो आले दुआले की होंगे ने इलेक्ट्रॉन होंगे ने, इलेक्ट्रॉन होंगे ने, फिर आप इलेक्ट्रॉन करके क्यों नहीं कह रहे कि यदा मास नहीं होंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव चार्ज करके क्यों बोल रहे, क्योंकि देखो पूरे एटम, मैं पूरे एटम का मास लिख लिया एम, इज इक्वल टू मैं की लिख रहा एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन स्मॉल एन, ठीक है ना, ठीक है। बट पता की होंगे जो न्यूक्लियन, इन्हों मैं कट्ठे न्यूक्लियन बोल सकता, न्यूक्लियन तो की कह सकता मैं, जोड़ा एम ऑफ पी प्लस एन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा व्डा होंगे एज़ कंपेयर टू एम ई, मतलब जोड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ज़्यादा घट होंगे, क्योंकि मास एक मास इलेक्ट्रॉन का मास कि 9.1 × 10^2 −31 के जी, बहुत ही छोटा मास हुंदा है, बहुत ही घट अमाउंट हुंदी है ये, जां संख्या कह सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा जहा मास हुंदा है, तो करके इन आप कर सकते हैं ना नेगलैक्ट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं जी मास ऑफ एटम, मास ऑफ पूरे एटम का किहदे कोल होएगा मास ऑफ सिर्फ न्यूक्लियस करके होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस करके होंगे, एंड जिहड़ा पूरे एटम का मास है जिस तरह कि उन्होंने एक्सपेरीमेंटली डिटरमाइंड है ना, कल्ले न्यूक्लियस तो किन्ने परसेंट मिल जाता है, 99.75% मास सिर्फ न्यूक्लियस के करके मिल जाता है, सिर्फ 0.25% इलेक्ट्रॉन करके होंगे, उसमें आप निगलैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 99% हो गया ना, टोटली हो गया एक तरह का, कोई दिक्कत नहीं है, इन्ना का आप उसको की कर सकते हैं निगलैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ओवरऑल टोटली मिल गया ना मास, तो करके आप गल कर रहे हैं न्यूक्लियस मास की। हुण देखो हर एक चीज़ के लिए, देखो जे तुम कोई भी डिस्टेंस माप रहे हो तो तुम उसको मीटर च माप कर सकते हो, फीट के माप सकते हो, ठीक है ना, सेंटीमीटर माप सकते हो, या किलोमीटर माप सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो तुम किसी का वेट मापना है, के जी ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, किस तरह तुम माप सकते हो। बट जे आप गल करिए, जे आप गल करिए जी न्यूक्लीयर मास में मापना है, ठीक है, जे न्यूक्लीयर मास की आप गल करिए, न्यूक्लीयर मास जे तुम इनू मेजर करना, फिर ये भी तो कोई यूनिट होनी चाहिए है, ये भी तो कोई यूनिट होनी चाहिए है ना, ये कि यूनिट है जिस दे नाल आपां न्यूक्लियर मास नूं स्टडी कर सकते हैं। देखो न्यूक्लियर मास नूं करन दे लई एक अटोमिक मास यूनिट होएगा, जिस दे नाल तुसीं की कहोगे कि हाँ जी किसी भी न्यूक्लियर का दो यूनिट, दो ए एम यू, इहनूं आपां शॉर्टकट च लिखा करांगे ए एम यू, कि किसी भी एटम का, ठीक है, दो ए एम यू मास है, तीन ए एम यू मास है, वन ए एम यू मास है, तो ए एम यू की डेफिनेशन की है। देखो ए एम यू नू देखो कदे भी किसी का भी जो तुम लेंथ नू मेजर कर दो तो किसी वड्डी है या छोटी है नहीं दस सकते, किसी के नाल कंपेयर करांगे ना फिर ही दसांगे कि इस लेंथ तो वड्डी है या इस लेंथ तो छोटी है ना। इसे ही तरह ए एम यू नू डिफाइंड करने के लिए आप एक एटम लिया कार्बन, एक एटम लिया कार्बन, एंड कार्बन के नाल आपने रिलेट किया कि इस दे विच किन्ने एक मोल दे विच, एक मोल दे विच किन्ने ग्राम किने कार्बन के एटम ने, तो 12 ग्राम होंगे ने, एक मोल के किन्ने होंगे 12 ग्राम, इंडिक एक मोल के एटम किन्ने होंगे ने एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होंगे ने, एवोगैड्रो एटम ऑफ कार्बन के कि मास होंगे जी 12 ग्राम होंगे, ठीक है ना, तो फिर एक एटम के कि आ जाएगा, एक एटम के कि आ जाएगा 12 डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर इन टू ग्राम हो जाएगा, तो
ये चीज़ है ना, एक एटम का मास किन्ना इन्ना ना, तो इनू कंपेयर करके कार्बन का लैके, कार्बन का आइसोटॉप कि लिया इतने C6 12 ए वाला आइसोटॉप का कंपेयर कर सारे ही एटम के नाल, जिदे करके आप फाइंड करेंगे। देखो किमें एक फाइंड करेंगे, थोड़ा वधिया समझ आ जाएगा। देखो कहते मास ऑफ एटम किदे करके होंगे, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा होंगे न्यूक्लियस तो, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है जो न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा छोटा होंगे, तो की होंगे कि करके हो जाएगा, सिर्फ इन ऊपर निगलैक्ट कर देवे, सिर्फ न्यूक्लियस करके हो जाएगा ये वाला, समझ आया। उस तो बाद दूसरा पॉइंट, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन इट गिव्स 99.75। चलो ये तो हो गया ना, सबनों पता है कि वेरी क्लोज टू अटोमिक नंबर, वेरी क्लोज है ना, 100% के बिल्कुल क्लोज हो गया। उस तो बाद अटोमिक मास यूनिट की होंगे, कहते वन अटोमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12, 1/12 ही दस ना मैं थोड़ू, 1/12 ऑफ मास, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ दिस कार्बन आइसोटॉप, समझ आया। जिहड़ा कहिंदे किहदे इक्वल होएगा, AMU 1 AMU किहदे इक्वल होएगा, 1/12 कर दो, 1/12 हिस्सा लै लो यदा मास ऑफ एटम का, किहड़े एटम का, यदा ये जिन्ना भी यदा मास होएगा ये तो 1/12 कर दो, उन्होंने आप कहेंगे 1 AMU कहेंगे, समझ आया। चलो देखो किमें कहेंगे, कहते मास ऑफ न्यूक्लियस मेजर इन AMU विच इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ दिस, समझ आया। बड़ी सिंपल जहा, बस AMU मैं की करें ना, 1/12 है जी, 2 नहीं है, 1/12 ऑफ मास ऑफ दिस कार्बन आइसोटॉप। चलो हूँ देखो इन आप देख लें किमें आप डिफाइन करते हैं। देखो एवोगैड्रो एन आप बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ कार्बन च कि मास होंगे, 12 ग्राम होंगे, सबनों पता 12 ग्राम होंगे। तो जो मैं ये तो एन ने, जे मैं यदि जगह 1 लेके आना हो, फिर मैं एन के नाल डिवाइड करूँगा दोनों साइड, तो 1 एटम, 1 एटम के कार्बन के 1 एटम के मास कि होएगा, 12/N एवोगैड्रो ग्राम होएगा, सिंपल जी गल है। तो फिर 1 एटम AMU की डेफिनेशन की सी, 1/12 ऑफ कार्बन का मास, यहाँ कार्बन के 1 एटम का मास है, इन्हों मैं 1/12 कर दिता, तो टोटल कितना आ गया, 1.66 × 10^27 किलोग्राम, ये किहदी वैल्यू है जी, 1 AMU की वैल्यू है। देखो किलोग्राम के आ गई है, मतलब मोटे मेरा यही सी कि 1 AMU नूं मैं ड्रा तो करूँगा, हुण मैं हर एक के पिछे मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा कि इन्ने किलोग्राम होंगे कि 10^-1, तो मैंने एक डेफिनेट वैल्यू दे दी कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ना, ये अकॉर्डिंग मैं सारे ही प्रोटोन का, चाहे इलेक्ट्रॉन का, चाहे हाइड्रोजन का, हीलियम लिथियम ब्रोमीन जो भी है, सब का मैंने AMU के लैके आऊँगा मास, ठीक है। इसे ही तरह ये तो ही फिर मैंने प्रोटोन मास, और प्रोटोन का मास कढ़िया कि 1.00727 AMU होंगे, ये तो देखो याद करना सौखा है, 1.00727, चलो ठीक है, इनू मैं इस तरह याद करूँगा तो औखा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर जगह पर वैल्यू पुट करूँगा, स्टैंडर्ड यूनिट पुट करा तो AMU पुट करा, ठीक है ना, 1.67 × 10^-27, सिमिलरली दिस वन, इनू याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो उस तो बाद थोड़ा जहा नैक्सट पॉइंट समझ लें आप। देखो जी कहते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10^-19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, क्योंकि तुम्हें की करना ना इतने वोल्टेज कितनी रखनी है, 1 वोल्ट, तो इन्ना कूलम चार्ज प्रोड्यूस करोगे तो उन्होंने आप डिफाइन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1.6 × 10^-19 जूल, क्योंकि सी भी जूल के बराबर ही होंगे, है ना। तो मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होंगे, मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होएगा, 1 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होंगी जी 10^-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, ठीक है ना। इस तो बाद ई इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर होंगे, इतों जो मैं एम की वैल्यू भर देव, सी की वैल्यू भर देव, तो कि आ जाएगा ई की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 931 931.5, इन अप्रोक्सीमेटली तुम ये भी लिख सकते हो, ई अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 931 μIV, ठीक है ना, ये लिख सकते हो, ये वैल्यू थोड़ी न्यूमेरिकल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होएगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो आप इतनी करा, क्योंकि अब आपने टॉपिक शुरू किया, तो कोशिश करा 2 या 3 लैक्चर के इसमें पूरे कंप्लीट कर देवे, काफ़ी सारे टॉपिक ने इस करने वाले, नाल दी नाल पूरे MCQs भी करा, ठीक है, नैक्सट वीडियो के MCQs लेके आवेंगे, एंड टॉपिक भी रहेंगे, ठीक है, जिस तरह के आप बाकी सारे टॉपिक करा, इसे ही तरह ये टॉपिक भी आप करते जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की, हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगी इसके उपर, ठीक है जी, वीडियो ही मिलेगी, लाइव नहीं कर पावे, तो जे वधिया लगी तो इसमें शेयर जरूर करना जी बाकियों के नाल, कमेंट करके दसना किस तरह लगी, तो नैक्सट वीडियो जल्दी लेके आवेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।